लोगों ने 15 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग झंडा लगाने के लिए हम समाजवादी साथी सब निकल पड़े हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, सभी विधानसभाओं में, सभी पूरे प्रदेश में एक समाजवादी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। जनता पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। साहब, आप लोग देख रहे होंगे कितने साथी हम लोग झंडा लगाने उत्सुक हैं और समाज जल्दी से समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए इच्छुक हैं। सरकार बदलने की जल्दी है सबको, कि सरकार जल्दी कैसे बदले, कैसे खुशहाली है, कैसे नौजवान, कैसे किसान, कैसे खुशहाली है, क्योंकि लगातार किसान परेशान है, लगातार व्यापारी परेशान है, लगातार छात्र परेशान है, लगातार आप हर वर्ग का आदमी परेशान है, क्योंकि ये भाजपा सरकार भ्रष्ट प्रशासन, समझ लीजिए इसमें ना ही प्रशासन शासन, ना नेता, ना डीएम एसडीएम कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सरकारी जब भ्रष्ट है तो प्रशासन कहाँ से सुनेगा। इसलिए हम सब निकले हैं एक इनकलाब के साथ, एक बदलाव के लिए हम लोग निकले हुए हैं। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग का समाजवादी जनसैलाब साथ में चल रहा है। देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ जहाँ विजय यात्रा निकाल रहे हैं, हर जगह जनता उमड़ के आ रही है। आप एकदम सब रोड पर आ गए घर से निकल के, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सब लोग आ गए हैं कि नहीं बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बस एक ही आवाज़ है, इस प्रदेश का मुखिया अखिलेश यादव जी होने चाहिए। सबकी यही सोच है, सब ये विचार बना चुके हैं और इस भ्रष्ट योगी सरकार के खिलाफ सब एकदम पूरी तरीके से सब इनकलाब कर चुके हैं और लगातार हम सब जगह निकल रहे हैं और ये बदलाव करके ही हम लोग अपने घर वापसी करेंगे। जब तक के लगातार हम लोग लगे रहेंगे, जब तक ये भ्रष्ट सरकार रहेगी, हम लोग सरकार बदल के ही दम लेंगे। किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को उनका हक दिला के, उनके लिए नई सरकार ला के, नई चीज़ें करके तभी हम लोग अब कदम रोके जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत सा उत्साह, क्योंकि देखिए कभी भी अगर कोई परिवार अलग होता है, जब एक होता है तो कितनी खुशहाली होती है, ये हर परिवार का ही आदमी जानता है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन लोग के विचार उमन एक हो चुके हैं हर चीज़ों को लेके। ये मान के चलिए कि आप कोई भी प्रदेश में सरकार बनने से रोक नहीं सकता है, कोई भी कितनी ताकत हो। ये दोनों इतनी बड़ी शख्सियत हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता सब एक साथ हो चुके हैं। अब समाजवादी एक हुजूम से, एक मजबूती से, एक मंच पे आने से समाजवादी पार्टी को और भी मजबूती हो गई, क्योंकि समाजवादी तो पहले से ही मजबूत थी, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूत हो गई है। हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिसमें सभी का साथ होगा। माननीय अखिलेश यादव जी का।